समाज के लोगों के साथ खड़े
करेंगे। आपकी हर आवाज संसद हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, नगर निगम में उठाने की सामर्थ आज भारत के सब लोगों के अंदर है। इसलिए मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, ये स्थान हम सबका आराध्य स्थान है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का स्थान है, ये बाबा रामदेव जी की धरती, पूज्य धरती का आराध्य देवती का स्थान है, ये बुद्ध की धरती का स्थान है। और इस न्यायपूर्ण धरती को, इस समानता की धरती को एक स्थान बनना चाहिए। जो यहाँ पर आए, जो यहाँ ढोक दे प्रणाम करे, उसको सबका आशीर्वाद मिले, सब आगे बढ़े। बेरवा समाज के लोग अग्रिम पंक्ति पर देश में नेतृत्व करें, दुनिया में भारत का नौजवान नेतृत्व करे। आज मुझे खुशी होती है, मैं जब दिल्ली के अंदर मिला तो मुझे बेरवा समाज के कई लोग मिलते हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली में क्या काम करते हो, कि हम निकले गांव से हैं, अभाव में कठिनाइयों में निकले हैं, लेकिन हमारे पिताजी माताजी ने जो कष्ट कहे हैं, उस कष्ट को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे। अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो कष्ट में अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन को बदलना, और इसीलिए मैं आपके यहाँ पर आया हूँ। मैं साथी हूँ, कभी भी राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमसे समानता न्याय की हमेशा बात करते हैं। समाज के शोषित वंचित पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने की उनके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि खुद उस अभाव कठिनाई उस संघर्षों से जूझा है, इसलिए वो जानते हैं किस तरीके रठाव संघर्षों से गुजरा है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, इस धरती पर बाबा रामदेव जी को प्रणाम करता हूँ, इस धरती पर बुद्ध को प्रणाम करता हूँ, इस धरती पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को प्रणाम करता हूँ, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।